गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों को एक्सरसाइज 10.3 सर्किल की पढ़नी है। तो देखिए ज़रा 10.3 में हमें क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव कॉमन इन कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। सुनना ज़रा, हमसे पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ, कितने कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं। सुनना ज़रा बेटा, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बनाया, एक सर्किल बनाया, इस सर्किल को टच करता हुआ हमने एक दूसरा सर्किल बनाया। ये तो दो सर्किल यहाँ पे कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक पॉइंट पे पी है ये, ठीक है। ये तो थे जब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर हम इन्हें इंटरनली टच कराते हैं तो ये एक सर्किल है, ये हमने एक दूसरा सर्किल बना दिया। तो ये इंटरनली भी कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं, वन पॉइंट पे। लेकिन अगर हम इनको इस तरीके से बनाएंगे तो देखो ज़रा, ये एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है क्यू, तो कितने पॉइंट्स पे कर रहे हैं, टू। तो कोई भी दो सर्किल जब एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होते हैं, टू, मिनिमम पॉइंट वन, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसके बाद देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू में वो हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर टू देख कर आए। सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, आपको एक सर्किल दे दिया जाता है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड सेंटर। तो हमें क्या करना है, सेंटर फाइंड करना है सर्किल का। सर्किल का सेंटर फाइंड करने के लिए बहुत इजी तरीका होता है। सबसे पहले हमें ये एक सर्किल दिया गया, ठीक है। तो हमने स्टेप वन में लिखा, स्टेप वन में क्या लिखा, ड्रॉ अ सर्किल। हमने यहाँ पे एक सर्किल बनाया, अब इसमें हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। तो अब देखो जरा स्टेप टू, स्टेप टू क्या हो जाएगा, स्टेप टू में कुछ भी नहीं, ड्रॉ टू कॉर्ड्स, कितनी कॉर्ड्स, टू कॉर्ड्स, दो कॉर्ड बना दीजिए इसमें। हमने ये बेटा एक कॉर्ड ये बना दी और एक कॉर्ड सॉरी एक कॉर्ड ये बना दी, दो कॉर्ड कहीं भी बना दो, कहीं भी बना दो। हमने दो कॉर्ड बना दी, फिर हमने यहाँ लिखा स्टेप थ्री, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे लिखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें बेटा क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है इन दोनों कॉर्ड्स का। हमने ये कॉर्ड ए बी ड्रॉ की, ये सी डी ड्रॉ की, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, हमने इसको मिलाती हुई लाइन ड्रॉ की। सेम प्रोसेस, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और ये हमने इसको मिलाती हुई लाइन क्या की, बना दी, ठीक है। आई बात समझ में। जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्किल के अंदर, सर इंटीरियर ऑफ अ सर्किल, सर्किल के अंदर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इट इज अ सेंटर, दैट इज अ सेंटर। सीधी सी बात है, हम यहाँ पे आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाते हैं। अगर आपको कभी भी कोई एक सर्किल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उस सर्किल का सेंटर फाइंड कीजिए, आप यहाँ पे किसी भी मेजर की दो कॉर्ड बना लीजिए। हम कह रहे हैं ये बना, ये भी बना सकते हैं, दो कोई भी दो बना लीजिए, मैंने तीन बना दिया। आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए, हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ये मिला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया मैंने, ये गया। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज अ सेंटर, वो क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। इसके बाद देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर टू के बाद थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर थ्री हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे कहा है, इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, देन प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉमन कॉर्ड।
हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया है, इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, हमने दो सर्कल्स को इंटरसेक्ट करा दिया टू पॉइंट्स पे, ये दो सर्कल हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, ये पी और क्यू, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा दिया, तो वो आगे कह रहा है देन प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द, तो उनके जो सेंटर हैं, ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर, ये हो गया ओ, ये हो गया ओ डैश, इनके जो सेंटर्स हैं वो कह रहा है इनके जो सेंटर से लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉमन कॉर्ड, वो इस कॉमन कॉर्ड के का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए हमें ये एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा, क्या करना होगा, ये डिग्री एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा, तो सुनिए बेटा ज़रा, हम यहाँ पे लिखें, अगर पहले सर्किल जिसका सेंटर ओ है, क्या है जिसका सेंटर ओ है, अगर ये ओ है सेंटर, तो देखो ज़रा, हमने बेटा इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है, हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ओ पी, इसे एल लिख लो, ओ पी एल एंड ट्राइंगल ओ क्यू एल, सुनना ज़रा मेरी बात को बेटा ध्यान से, हमें यहाँ पे पता है ओ पी जो है वो ओ क्यू के इक्वल है बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ अ सर्किल, ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एल है बिकॉज कॉमन है, ये साइड कॉमन है, वी नो वेरी वेल कि सेंटर से जब हम कॉर्ड को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, क्या कर देती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, वो भी नहीं लगाना है तो सेंटर के एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो एंगल पी ओ एल इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एल, ठीक है, ये हो गया, हमने यहाँ लिखा बाई एस ए एस ट्राइंगल ओ पी एल इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एल क्यू, ओ एल क्यू, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने यहाँ लिखा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी एंगल ओ एल पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एल क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, अब देखो जरा बेटा, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हमने यहाँ पे लिखा पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन है ये स्ट्रेट लाइन, जब पी क्यू बेटा स्ट्रेट लाइन है तो हमने यहाँ लिखा एंगल ओ एल पी प्लस एंगल ओ एल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, किससे, लीनियर पेयर से, देखो बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके एक पॉइंट पे बने दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, बेटा ये दोनों तो इक्वल हैं तो हमने यहाँ लिख दिया टू एंगल ओ एल पी, ये इसके इक्वल हैं तो दोनों को एक ही लिख लिया ओ एल पी इज इक्वल्स टू 180, टू से बेटा ये कैंसिल हो गया, एंगल ओ एल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या आ गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया, सो ओ ओ डैश इज लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है ना, इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज का, 10.3 में थ्री ही क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए, इसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट ऑफ द, एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4, देखो बेटा ज़रा, हमने एक ये सर्किल बनाया और हमने ये एक और सर्किल बनाया, ठीक है, इसकी जो रेडियस है ये है, कितनी है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, हमने दूसरे वाले सर्किल का सेंटर जो है वो यहाँ सपोज कर लिया, मान के चलो ओ डैश, ये ओ है, ये ओ डैश है, इस ओ डैश से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है, कितनी है 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टेड, ठीक है, आगे वो हमसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, मतलब हमें ये ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, जब ओ डैश 4 सेंटीमीटर गिवन है तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड, इन दोनों में कॉमन कॉर्ड कौन सी बन रही है, ये बन रही है कॉमन कॉर्ड,
ये हमने लिखा ए, इसे लिखा बी, इसे लिख लिया एल, ओ डैश से अलग है ये, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड, क्या निकालनी है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। सुनो जरा बेटा, हमने पहले इसको इससे मिला दिया, तो ये रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, कितनी है ये रेडियस, 5 सेंटीमीटर, और हमने बेटा इसको इससे मिला दिया, ये भी 5 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिख लिया ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने बेटा ओ डैश से इसको मिलाया और ओ डैश से इसको मिलाया, हमने लिखा ओ डैश ए इज इक्वल्स टू ओ डैश बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन में और क्या कहा है, वो कह रहा है ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ए एल इज इक्वल्स टू बी एल आएगा कि नहीं आएगा, ए एल बी एल के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। हमें यहाँ पे दिखाना क्या है, हमें यहाँ पे प्रूफ निकालना जो है वो क्या निकालना है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, किसकी लेंथ निकालनी है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो देखिए जरा बेटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ओ ए एल, सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ओ ए एल, फिर हम लेंगे ओ डैश ए एल, ठीक है, हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ओ ए एल, ओ ए एल में क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एल का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, ये कितना है 5 5 5 25 इज इक्वल्स टू ओ एल, ओ एल कितना है आपके पास, ओ एल आपके पास है कुछ नहीं है, ओ एल जो है वो कितना है, ओ एल जो दिया गया है ये जो हमने ये इतनी सी लेंथ है इसको हमने x सपोज कर लिया, ठीक है, जब ये x है तो हमने यहाँ लिखा ओ एल, ओ एल का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमने इक्वेशन बेटा, इससे हम क्या निकाल लें, ए एल की वैल्यू निकाल लें, चाहे काम करो इसे x सपोज कर लो और ये हो गया ए एल स्क्वायर, तो हमने यहाँ से बेटा ए एल स्क्वायर निकाला 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे लिए इक्वेशन वन का काम करेगी। दूसरी इक्वेशन लिखो इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश ए एल, ओ डैश ए एल में क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ओ डैश ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डैश एल प्लस ए एल, ए एल स्क्वायर, ठीक है, ओ डैश ए, ओ डैश ए कितना है 3 है, 3 3 इज 9, ओ डैश एल कितना है, ओ डैश एल हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एल कितना है, ए एल हमने निकाल लिया ये, तो यहाँ से हमने ए एल स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये ए एल की वैल्यू है, ये ए एल की वैल्यू, दोनों ए एल की वैल्यूज़ को इक्वल कर दो, हमने यहाँ लिखा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 8x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, 25x² - 9 - 4 - x² - - + 8x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 इससे इसको माइनस करोगे तो 5 बचेगा प्लस 8x, बेटा 5 यहाँ माइनस कर दो तो 20 इज इक्वल्स टू 8x, देन x इज इक्वल्स टू 20/8, ये इससे कैंसिल, 10/4 5/2 2.5, दैट्स इट, यही आ गया आंसर, ठीक है।